कुछ भी नहीं हो सकता। आपको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने G20 का बायकॉट क्यों किया होगा? प्रॉब्लम है, क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया के इन हालात में? सर मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते। हमारा सियासत में जो बहरान इस वक्त आ चुका है ना, हम तो बिल्कुल नहीं कर, हम जीरो पे हैं, बल्कि हम -10 पे हैं। क्या समझ में? बिल्कुल नहीं मानने को आती। तो यहाँ पर जब हम नहीं कर रहे तो वहाँ पर आपको लगता है कि वाकई में जो मीडिया तो बताती है वो हुकूमतों का प्रोपोगंडा है, इंडियन हुकूमत का, उनकी फौज का या उनके एस्टेब्लिशमेंट का प्रोपोगंडा है। चाहिए तो क्या हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करें या उनके साथ सुलह कर लें? दुश्मनी क्या करनी है, खुद ही हम खत्म हो जाएंगे जो हाल चला है हमारा। करिए तो हालात बेहतर होंगे। देखिए इंडिया में तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है। अच्छा आगे आजे, क्या हम ज्यादा ताकतवर हैं इस टाइम या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आप बताएं, हम ज्यादा ताकतवर हैं या कि हिंदुस्तान? हम ज्यादा ताकतवर हैं, हिंदुस्तान क्यों ताकतवर होता? अच्छा हम किस तरह से ताकतवर हैं? इंशाल्लाह ताला हमारी फौज कायम है, हम मरना डरना से लड़ना मरना से नहीं मानते। सही कह रहे हैं, चीनी चाय 300 रुपए किलो में, लो फौज कायम है। बताएं 120 यार, फौज कायम है। पूरे का पूरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, ना ही पूरे का पूरा पाकिस्तान ऐसा है। यही तो बताना चाह रहा हूँ थोड़ी सी चीज को लेकर। नफरत तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जिसे G20 कहते हैं, बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो पाकिस्तान उसमें शामिल ही नहीं है। तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ने बायकॉट किया हुआ है कि एक भी कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर वो मीटिंग को नहीं दिखाया जा रहा। क्या समझते हैं आपके, कितनी ज़रूरी है वो मीटिंग, क्या दिखाना चाहिए या नहीं? जो बायकॉट किया हुआ जो मीटिंग दिखा नहीं रही हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दिखानी चाहिए। हमारे पाकिस्तान का अगर मंदा वहाँ चले भी जाता ना, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों सुने नहीं जा रही पाकिस्तान की? कौन सुनता, कोई भी नहीं सुनता। ये मीटिंग हिंदुस्तान के अंदर हो, जहाँ भी हो रही है, नहीं कोई भी नहीं सुनेगा। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं 20 मुल्कों के, बांग्लादेश को बुलाया, हमें नहीं बुलाया, उनकी सुनी जाती है। अच्छा हाँ, हमारी नहीं सुनी जाएगी। हमारी क्यों नहीं सुनी जाएगी? हम उनके आगे आकरते हैं जो है, बोलते हैं उनके आगे। तो बोलना चाहिए या नहीं? बोलना चाहिए, फायदा कोई नहीं बोलने का, सुनी नहीं जा रही हमारी, हम उनकी बातें नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। तो बात तो माननी चाहिए ना, बात माननी चाहिए, बात वो माननी चाहिए जो मानने वाली होती है। तो कौन सी बात वो करते हैं जो आपके मानने वाले भी नहीं है? वो कहते हैं हमारे टांगों पे नीचे पाँव में पड़े, जो हम कहें वही कहें, जो आपके सामने है बिलों का क्या हाल हो रहा है, महंगाई कहाँ तक जा रही है, वो कहते हैं हमारे पाँव में पड़े। हाँ बिल्कुल ऐसे कहते हैं, ऐसे नहीं मांगते जाके। कौन पैसे मुल्क में कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लोग पैसे मांगते हैं। हाँ जाके मांगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म क्या कहते हैं वहाँ जाके, पैसे दो हमें। हाँ इस तरह से रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है? कहाँ रिस्पेक्ट होती है, इज्जत तो नहीं है हमारी। इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा है हमसे या उनके? कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया वो? वाह हमसे बहुत आगे पहुँच गए, वहाँ का डॉलर देखें और यहाँ पर डॉलर की कीमत देखें कितनी है। वो तो फिर ज़्यादा ही है। हाँ ये जो पैसा आता है खुद खा जाते हैं, हमें क्या, हम पे क्या लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते, हमसे बल्कि लेते हैं ये। अच्छा हाँ तो क्या समझते हैं लोग, कैसे ये किसने किसी तरीके से लेते हैं ये? हिंदुस्तान के अंदर 20 मुल्कों के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 सालों में कौन आया, कोई बाहर के मुल्क का कोई प्रेसिडेंट आया यहाँ है क्या आने का उनके लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हिंदुस्तान में क्या है? इसमें बहुत कुछ है, वो अपने आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो सोचते हैं, अगर 10 खाते हैं 2-3 लगाते भी हैं, वो यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ जो होते हैं वो खा जाते हैं, बल्कि हमसे ले लेते हैं ये टैक्स के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी बिलों में, कभी कहीं से, कभी कहीं से। आपको पता है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया ना अपने मुल्क के लिए, ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो हम तो कहते हैं कि वो बंदा ही नहीं सही, आम को आपस में लगा हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे, वो ऐसे, हम पागल हुए हैं, सब पार्टियों के पीछे सब लोग पागल हुए हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करें या उनके साथ सुलह कर लें? दुश्मनी क्या करनी है, खुद ही हम खत्म हो जाएंगे जो हाल चला है हमारा, हमें आपस में तो खाक नहीं है यहाँ पे, बाद बंदे खड़े कर लें, कोई आपस में नहीं कहेगा। आपने बड़ी पैर की, आपस में पहले इतफाक करें उसके बाद बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, अफगानिस्तान कल आज़ाद हुआ है ना, तो वहाँ देखें। हाँ जी, तो अफगानिस्तान की करेंसी भी आज स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्कुल हिंदुस्तान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कितने साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं, क्या किया है, हमारी साइकिल नहीं गली की बनी है, अभी मेन रोड नहीं बने, यहाँ पे नहीं हम चल सकते, हम आगे कहाँ चलना, क्या हिंदुस्तान ने बाहर से दिल्ली के अंदर पता कितना खर्चा किया, 4100 करोड़ नहीं आती हैं वहाँ लगाती हैं कुछ, तो उन्हें बेनिफिट मिलता है ना, हमारी इधर कंपनियां नहीं, यहाँ पे नहीं आती, ये मांगते हैं खाने को अपने के लिए, हमें कुछ देंगे तो आपको यहाँ लगाने देंगे कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है कि आपको अगर इसी तरह हमारे हालात रहे, नहीं कर सकता कोई ऐसा बंदा कोई आए जो यहाँ के मुल्क के बारे में सोचे, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है। तो क्या दुश्मनियाँ छोड़कर हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर करना छोड़ के अपने मुल्क को देखना चाहिए, अपनी आवाम को देखना चाहिए, हमसाइयों के साथ रिश्ते बेहतर कर होने चाहिए। दुश्मनियाँ करके क्या हासिल कर लिया, हालात बेहतर भी नहीं हासिल हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता,
तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने G20 का बायकॉट क्यों किया होगा? हमें ये तो नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा अगर हम भी बताएं। तो लगा है बहुत ज्यादा तरक्की कर हमारी मीडिया को तो ये तो नहीं लग रहा कि अगर हम ये भी दिखा देंगे तो आवाम को शोर आ जाएगा, आवाम पूछने शुरू कर देगी। मीडिया नहीं दिखा सकती। क्यों? वो नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं? मीडिया सब कुछ दिखा सकती है। हमारी मीडिया क्यों नहीं दिखा सकती? इनके हाथ बांधे हुए हैं भाई। अच्छा, हाँ। कहीं इनको ये तो नहीं लगता अगर वो वीडियो वो दिखा देंगे हिंदुस्तान कितना तरक्की कर रहा, 20 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? बंद कर देंगे सब कुछ इनका जो ये चलाते हैं। अच्छा, इन्होंने भी पैसे कमाने, कहाँ से कमाने हैं भाई? ये सब मिले हैं आपस में। तो अब समझ आ गई आवाम को? आवाम को समझ अभी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। दुश्मन हमारा हिंदुस्तान है। दुश्मन हम खुद हैं भाई, एक दूसरे के। अब गाइस समझ आ गई आवाम को कि दुश्मन बाहर का कोई नहीं, अंदर का। अब मुझे बताएं कि इतने टाइम हमने लगा दिया ये बात समझने में कि दुश्मन हमारा हिंदुस्तान नहीं है, तो अब बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते, तो आप रिश्ते बेहतर कर लें। हाँ, करने चाहिए। हाथ मिला लें उनसे। हाँ, मिलाने चाहिए। क्यों नहीं? ट्रेड कर लें उनसे। हाँ, मजहब के मामले में नहीं है, जो गलती कहेंगे उसका जवाब देना पड़ेगा। बाकी मामलों में आप उनके मजहब को ना छेड़ें, वो आपके मजहब को नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही चल रहा है अभी भी हिंदुस्तान के अंदर। देखे ना, अभी दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर दिल्ली में जितने भी मुसलमान थे सारे के सारे इकट्ठे होकर अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदुस्तान। यहाँ पे भी इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उनको बैठा गया सारी पार्टियों को आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करते। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? हरियत। नाम आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। सर, बात करने का पर्पस ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर G20 की मीटिंग होने जा रही है, आपको पता होगा, शायद इन्फॉर्मेशन भी होगी। उस मीटिंग के अंदर 20 मुल्कों के सरबराहान आएंगे और उस मीटिंग को चार चांद लगाएंगे। दिल्ली के अंदर ये हो रही है और इंडिया ने करोड़ों रुपए लगाकर उनका वेलकम किया, इस्तकबाल किया और पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। जो बाइडन के, अमेरिका के, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का, हर कोई वहाँ पर गया चला। 10 इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स भी वहाँ पर गए हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या इन सब सिचुएशन के अंदर हम कहाँ पर हैं? हमारा बायकॉट क्यों? हमारी मीडिया तो उनका वो भी नहीं दिखा रही G20 के जो समिट हो रहा है हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरान जो है, इवन के हमारी फौज जो है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है। अच्छा, बस सिर्फ ये है प्रॉब्लम, सिर्फ ये है कि सब लोग मुखलस नहीं है। हमारे सांसदान मुखलस नहीं है, हमारी फौज, हमारी अदलिया, हमारे मुल्क के जितने भी सरबराहान जितने भी गुजरे हैं ना, वो हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं, और अगर कोई सिंसियर आता है तो उसको करने नहीं देते कुछ। किसी भी मुल्क की बात कर लें, सारी इस्लामिक कंट्री वहाँ पर जा चुकी हैं, तो हम तो कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं जाना चाहिए, फिर वो उनके पास कैसे गए? देखिए, जो दूसरी कंट्रीज है ना, वो कम से कम ये तो है कि अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। हमारे प्रॉब्लम यह है कि हमारे अपने ही हमारे साथ मुखलस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया के इन हालात में? सर, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते। हमारा सियासत में जो बहरान इस वक्त आ चुका है ना, हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे, हम जीरो पे हैं, बल्कि हम -10 पे हैं, -1 भी नहीं, -10 पे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये बिल्कुल हम ऐसे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद हिंदुस्तान की दुनिया में कोई उनकी पहचान, उनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, इंडिया चूँकि अब चांद पे पहुँच चुका है, तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि जो हमारा मिशन है चांद पे ले जाने का, जो हमारे स्पार्को उसका सरबराह जो है ना, वो उसका साइंसदान नहीं है, वो कौन है? फौजी है का। तो हम कैसे जा सकते हैं? और हम सोच भी नहीं सकते कि हम मुकाबला कर सकेगा अब इंडिया का। इंडिया बहुत आगे जा चुका है, तो हमें शर्म आनी चाहिए वैसे कि हम जिन लोगों को आज तक वोट देते रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे। अभी जो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे G20 के मीटिंग के बरक्स, जब ये मीटिंग को सबमिट करेंगे, इसके अंदर बड़े बड़े मुआहदे हो गए हैं। मुआहदे ये हुए हैं कि इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनाने जा रहा है अमेरिका, अमेरिका के साथ मिलकर। इंडिया की अपनी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है इसमें, आप देखते हैं कि वो मेक इन इंडिया पर काम कर रहे हैं, उनकी हर चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है बाहर। जी बिल्कुल, इंडिया सबको डिजर्व कर रहा है। वो लोग मेहनती हैं और अपने मुल्क से मुखलस हैं, तो हमें यही हमारा बहरान है कि हम लोग मुखलस नहीं हैं। हमारा छोटे से छोटा सरकारी अहलकार जो है ना, उससे लेके वज़ीर आज़म तक कोई भी मुखलस नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, तो जब ये सारे अपने मुल्क के साथ या अपने आप के साथ मुखलस हो जाएंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीछे रहेगा। तो पाकिस्तान के जो हालात पैदा हुए हैं, इन सब हालात से निकलने का क्या रास्ता है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो बहरान आया हुआ, आपको नहीं लगता कि हमारी GDP के 85% हम डिफेंस में लगाते हैं?
अगर यही हालात हम इंडिया के साथ बेहतर कर लें, उनको क्या जरूरत है हमसे दुश्मनी करने की? वो जितना ताकतवर हुआ उनको क्या फर्क पड़ता है, जितना मर्जी वो जीडीपी पर लगा सकते हैं, उनके 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है उनके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएं हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? माइनस 150। तो देखिए जो हमारी फौज और अदलिया है ना, मेरा ख्याल अगर ये ठीक हो जाए ना तो हमारा पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अदलिया सबसे पहले, इंसाफ। तो इमरान खान साहब ने आते ही सबसे पहले इंसाफ की बात क्यों की थी? इसीलिए की थी कि सबसे पहले इंसाफ होगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, इंसाफ नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में इंसाफ है? बिल्कुल ऐसे। बेशक मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, लेकिन उनका अपने मुल्क के साथ कम से कम इंसाफ है। सर आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ जो यहाँ पर बात की जाती है, क्या यहाँ पर नॉन मुस्लिम के साथ जुल्म होता है? बिल्कुल नहीं, नहीं होता। तो फिर जो वहाँ की मीडिया बताती है या कोई भी मीडिया बताती है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ बड़ा जुल्म होता है, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, तो क्या ये बात मानने के लिए आती है? क्या समझ में? बिल्कुल नहीं मानने को आती। तो यहाँ पर जब हम नहीं कर रहे तो वहाँ पर आपको लगता है कि वाकई में जो मीडिया बताती है वो हुकूमतों का प्रोपोगंडा है? इंडियन हुकूमत का, उनकी फौज का या उनके एस्टेब्लिशमेंट का प्रोपोगंडा है? तो मैं तो यहाँ पर जो बताते हैं कि वहाँ पर जुल्म होता है, आपको नहीं लगता कि अगर ये बात सच्ची नहीं कि यहाँ पर जुल्म होता तो वो बात कैसे सच्ची हो सकती है? तो हालात बेहतर होंगे। देखिए इंडिया में तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है। अच्छा, आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इतने उससे कैसे कह सकते हैं? देखिए मीडिया पे सब आता है जी। तो मीडिया पे सब आता, वहीं तो बता रहा हूँ सर। यहाँ की मीडिया ये बताती है कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, और वहाँ की मीडिया ये बताती है कि यहाँ पर सिखों के साथ, यहाँ पर ईसाइयों के साथ जुल्म होता। क्या होता यहाँ पे? तो बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पर होता। ये बात कैसे कह सकते हैं आप? मीडिया की बातों पर आएंगे तो ये जो हालात है मजीद बद से बदतर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मीडिया को छोड़ दें, मीडिया को छोड़ दें, सोशल मीडिया का दौर है, क्लिप आते रहते हैं, वो देखते हैं हम तो, उससे क्लिप यहाँ से भी तो वायरल होते हैं। जो जड़ा वाला का सीन हुआ, जो आप देखते हैं कि कराची के अंदर जो मंदिर को जलाया गया, ये प्लान था। अगर ये प्लान था तो देखें दोनों तरफ की बातें हैं। बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीमिस्ट अगर देखेंगे यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं। चंद एक लोगों को दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान ऐसा, पूरा का पूरा पाकिस्तान ऐसा। जब इस तरह की बातें करेंगे तो पूरे का पूरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, ना ही पूरे का पूरा पाकिस्तान ऐसा। यही तो बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी चीज को लेकर नफरतों को खत्म करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पीस का टाइम आ गया। देखिए मोदी सरकार ने आते ही कहा था कि छोड़े पाकिस्तान वाकिस्तान, हम आगे बढ़ते हैं, तो वो चांद पे चले गए और हम जमीन पे, जमीन के बल्कि गड़े में गिरे हुए हैं। तो मोदी साहब ने ये भी कहा था आओ जंग करते हैं, आओ जंग करते हैं का उन्होंने, जंग इसलिए नहीं कि वेपन्स की जंग करते हैं, आओ तालीम की जंग करते हैं, आप जीतो या हम जीते हैं। उन्होंने कहा था आओ टेक्नोलॉजी की जंग करते हैं, आप जीतो या हम जीते हैं। बिल्कुल उन्होंने पॉजिटिव लिया इसको और वो आगे बढ़ गए हैं। हम लोग अभी आपस में उलझे हुए हैं, हमने ये डैम बनाना है ये नहीं बनाना, हमने ये सड़क बनानी है नहीं बनानी, ये पुल बनाना है नहीं बनाना, हम इसी में उलझे हुए हैं। उनका मसला क्या बता? हमारे में सियासतदान लोन नून लीग ने अगर कोई शुरू किया है ना कोई मुआहदा, या उन्होंने कोई बनाया इतना किया किसी चीज़ का, तो आने वाली जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर देती है, उसको चलाती नहीं है। हम एक दूसरे की जो है ना वो टांग खींचते हैं। तो इंडियन ऐसा नहीं करते। उनका जो चांद पे जाने का जो मिशन था ना वो तकरीबन 60 से पहले का है। तो उनकी जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना उन्होंने उसको बंद नहीं किया, जबकि कंटिन्यू रखा। हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल शुरू कर लेता है तो वो अगली हुकूमत उसको बंद कर उसकी ईंटे तक उखाड़ के ले जाते हैं। तो ये जो है ना ये बिल्कुल माइंड समझ नहीं आता ये पाकिस्तानी क्यों करते हैं। हालांकि हम हर 14 अगस्त को 23 मार्च को हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदा कौम है, और हम जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। तो ये फजूल है सब, ये बकवास है, हमें यह बकवास लगता है। सही हो गया। तो ओरिजिनल क्या बात है? देखिए ओरिजिनल यही है कि हम बिल्कुल ना ही हम अच्छे मुसलमान हैं और ना ही अच्छे पाकिस्तानी हैं। हमें पहले चाहिए कि हम पहले अच्छे मुसलमान बने, उसके बाद अच्छे पाकिस्तानी बने, और हर किसी की टांग बिल्कुल नहीं खींचे, बल्कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसको और ऊपर लेके जाए, सपोर्ट करें उसको। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जब तक हमारे यहाँ नहीं आएगा तो ये बिल्कुल हम कामयाब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्रिया। नाम आपका? नसीरुद्दीन। क्या करते हैं? फैक्ट्री में वर्कर। सर आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान के अंदर से, हिंदुस्तान G20 की मीटिंग को समिट करवाने जा रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो क्या ये मीटिंग के बाद हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा? नहीं। कैसे नहीं होगा?
नहीं होगा सर जी, हम मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम है। तो फिर हम इससे ज़्यादा ताकतवर हुए? जी सर। तो सर ईमानदार बंदा ज़्यादा, अगर हम इतने ही ज़्यादा ताकतवर हैं तो आज हमने तरक्की क्यों नहीं कर ली? तरक्की बस यही है, बस हर बंदा अपनी अपनी पड़ी हुई है हर बंदे को। हिंदुस्तान तो कहता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं, मैं तो चांद पर चला गया हूँ। चांद पर वो चला गया लेकिन उनका इत्तेफाक है सर जी, ये मसला है। आप मुझे बताएं कि उनके पास 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हैं, हमारे पास कुछ हैं पैसे पूसे? अगर पैसे होते तो हम बाहर से मांगने जाते। नहीं पैसे हैं लेकिन वो अपने आप नहीं। आप इधर ही रहिएगा, मैं इनसे पूछता हूँ थोड़ा आगे आजे। क्या हम ज़्यादा ताकतवर हैं इस टाइम या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। आप बताएं हम ज़्यादा ताकतवर हैं या कि हिंदुस्तान? हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हिंदुस्तान क्यों ताकतवर होता? अच्छा हम किस तरह से ताकतवर हैं? इंशाल्लाह ताला हमारी फौज कायम है, हम मरना डरना से लड़ना मरना से नहीं मानते। सही कह रहे हैं। चीनी चाय 300 रुपए किलो, मतलब फौज कायम है? बताएं 120 फौज कायम है? आप उनके साथ हो? चोरी हो रही ना, आटा चीनी इतनी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आदमी क्या करे यार। बस ना सिर्फ मौत का इंतजार है लोगों को, दिन ब दिन खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। ये तो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, ये कह रहे हैं। हिंदुस्तान का मुकाबला है? अच्छा, हिंदुस्तान का मुकाबला है इस तरह से करेंगे, भूख से लड़के। अच्छा ये कैसे मर जाएंगे फिर? तो मर जाए मरते तो, इनको क्या लगे जो बड़े हैं, ये तो खा लेते हैं शाम को। आज उनके उधर G20 की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर 20 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर